A news update sponsored by RS Academy, second floor, Ramagovan Palace, Sirmau Chauraha, Rewa. नमस्कार विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिजली समस्या से परेशान है, ये शिकायत आपने कई बार सुनी होगी और बिजली की समस्या आम होती जा रही है। रीवा जिले के महमूदपुर ग्राम मनगवां क्षेत्र अंतर्गत मझीला टोला वार्ड क्रमांक 7 में रहने वाले लोग इसी समस्या से जूझते मिले। बता दें 15 दिन हो चुके हैं ट्रांसफार्मर जले हुए, बिजली विभाग को सूचना दी जा चुकी है, वहां से भी कर्मचारी आ करके जानकारी ले जा चुके हैं, पर ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं लगा। जबकि 25 से 30 घर की यहां आबादी है, ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण किसान परेशान हैं, लोग पानी के लिए भटक रहे हैं, खेती तो खेती, पीने के लिए पानी तक नहीं मिल पा रहा। बिजली विभाग का कहना है कि जब पूरे गांव की बिजली का बिल जमा हो जाएगा तब लगाएंगे। साथ ही रिश्वत भी मांगी जा रही है। बता दें 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है, जिसके बाद वहां के ग्रामीण परेशान हैं और अब जनप्रतिनिधि पर भी भड़कते नजर आ रहे हैं। और यहीं का हूं मैं, और कई दिनों से लाइट नहीं है यहाँ पे, काफ़ी परेशानी है। ट्रांसफार्मर जला हुआ है, कैसे भी करके लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किलोमीटर्स जाके पानी ले आ रहे हैं। ये सब दिक्कतें हैं बिजली के बिना। लोग जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको रात भर मच्छर सोने नहीं दे रहे हैं, यही सब समस्या है। दिक्कत तो यहाँ 2 साल से चल रही है परमानेंट, इसको आप देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक। जी बिल्कुल, ये खुनिया थामा गड़ा हुआ है। हम लोग अभी कुछ दिन पहले एक भैंस मर गई थी, जिसके चलते उन्होंने बोला था कि आप किसी प्रकार के FIR नहीं करिएगा, है ना। और यहाँ पे आते हैं तो बस इनको अगर हम कभी बात किए कि यहाँ पे हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, इसकी देख लीजिए, ये जो है डीओ एक फीस बचा हुआ था, है ना, एक फीस के चलते इन्होंने काट के मेन लाइन को काट के यहाँ पे तिरछा करके सप्लाई चालू करवाया, जिससे जो भी हम लोगों का अगर काम चलता था वो भी पूर्ण रूप से ग्रसित हो चुका है। बिल्कुल जैसा आप बता अभी, रहे हैं। अभी मैं 15 दिन पहले इनको यहाँ पे जांच में बुलवाया था, 15 दिन के बाद इन्होंने क्या बोला, कल मैं गया था तो इन्होंने कल वहाँ पे जेई साहब को कल लिख के दिया कि हाँ मैं यहाँ से भेज चुका हूँ। 15 दिन की लापरवाही के चलते आज तक हम लोग ये भुगत रहे हैं। अब पानी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ता है, टोटल हैंडपम्प जो है ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पे तो ऐसा है कि अगर सोमवार शनिवार रविवार कोई नहीं है, हमारे पास पैसे जमा कर दो, तरह तरह के दलाल आते हैं, बोलते हैं 5,000-10,000 दे दो और हम अभी 24 घंटे के अंदर ही लगवा देते हैं। तो आप 181 में शिकायत कर सकते हैं। 181 में हम लोगों ने 2 साल से लगातार कंटिन्यू शिकायत किए थे। 2 साल के अंतराल में आप देख रहे हैं विभाग के आदमी आते हैं, विभाग बोलते हैं कि ऐसा कि तुम जितना करना तो कर लो, चलेगी हमारी शिकायत ऊपर से आएगी, किसके पास आएगी, मेरे पास आएगी, और हम जो लिख के देंगे वही होगा। नहीं ऐसा तो है नहीं जैसा आप बता रहे हैं, पर मेरे पास शिकायत नंबर भी है, जितनी शिकायत हम लोगों ने किया था 2 साल के अंतराल में शिकायत नंबर भी है, जो डायरेक्ट हम लोगों के बिना पूछे ही उनका पूरा सलूशन निकाल दिया जाता है। ये डी जो है, डी का पूरा पूर्ण रूपेण यहाँ से डी का पूरा सिस्टम चलता है, यही नाम का बैठता है, कभी इनको फ़ोन नहीं लगता है, फ़ोन लगाओ तो बोल देंगे क्या हम आपके नौकर हैं, अरे नौकर मेरे नहीं हो तो एक काम करो 15 दिन से हम लोग बिजली नहीं जला रहे, उसका पेमेंट आप काट के दे भेजना बिल। A news update sponsored by RS Academy, second floor, Ramagovan Palace, Sirmau Chauraha, Rewa.